नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स की। 6.95 का स्टॉक हो चुका है, 3.5% की गिरावट यहाँ पर हुई है। एनर्जी क्राइसिस है हमारे यहाँ पे और वो आप बढ़ा नहीं है बट यस बढ़ने वाला है। रीजन बीइंग कि जिस तरह से तेलों का दाम बढ़ रहा है, इंडिया में $75 पर बैरल था लास्ट टाइम, जब बहुत सारी सिटीज में बहुत सारे शहरों में 100 रुपीज पर लीटर पार कर गया था। इस समय $112 पर बैरल के आसपास तेलों का दाम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो आप देखो मिनिस्ट्रीज ने पहले ही वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया है वन वे और दी अदर। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स कहां पर रिलाई करता है, कहां पर आपके लिए ये फायदा पहुंचा सकता है, इंडिया में क्या जेपी पावर जैसी कंपनीज का स्कोप है अभी भी अगर आप बात करो, क्योंकि वॉर हो रहा है और वॉर के टाइम पे आपको अपनी डिपेंडेंसी जो बाहर की कंट्रीज है उन पे कम करना पड़ेगा, क्या वहां पर जेपी पावर अपना रोल प्ले करेगा। बात करेंगे इस वीडियो में कि खरीदारी कहां पर करनी है, टारगेट क्या हो और जो गिरावट हुई है आज के दिन में उसको कहां पर लेकर के जाना है, गिरावट हुई क्यों है उसकी भी चर्चा होगी यहां पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेपी पावर के डेली पैटर्न की मैं आपको बात दिखा दूं, क्योंकि ये वीक ठीक रहा है। मार्केट में थोड़ी बहुत भी आपके सामने एक रैली आई है उसने काफी हेल्प किया बहुत सारे स्टॉक्स को जो लगातार एक शार्प डिक्लाइन में थे। अगर आप जेपी पावर को भी देखो, एक शार्प डिक्लाइन में स्टॉक आपका बना हुआ था, अपर एंड से 11 रुपए से लगातार बहुत तेजी से गिरावट यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। अभी एक सपोर्ट जोन बना यहाँ से और अभी स्टॉक आपका बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक सपोर्टिव जोन में बना हुआ, एटलीस्ट इट्स नॉट मेकिंग एनी अदर लॉसेस। ठीक है, 6.95 के आसपास रुका है, अच्छा प्राइस है। मुझे लगता है कि देखो खरीदारी करने के लिए अगर आपको एंट्री लेनी कर सकते हो। दो तीन चीजें हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जेबी पावर ने लगातार आपको प्रॉफिट दिया है, इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब स्टॉक 11 से गिर करके नीचे आ चुका है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए साल के शुरुआत में इस स्टॉक को लिया होता तब भी आपके पास 130% के आसपास का प्रॉफिट होता हाथ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक का जो हिस्ट्री रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो छोटे स्टॉक है आपके सामने, जेपी पावर हो गया, सुजलॉन हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, इन स्टॉक्स को आपको लंबा राइड करना है। ठीक है, ये 6 रुपए से 10 रुपए में बेचने वाले स्टॉक नहीं है, 6 रुपए से 60 रुपए पे 80 रुपए में बेचने वाले स्टॉक हैं। तो बिल्कुल मेरी राय हमेशा रही है कि ऐसी कंपनीज में आपको निवेश करना चाहिए जिनके पास दो चीजों है, पहला गवर्नमेंट का सपोर्ट, एंड जेपी पावर के पास वो सपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको याद होना चाहिए कि 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, छोटी कंपनीज में, क्योंकि अगर आप रिन्यूअल्स की बात करते हो, अगर आप बात करते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि 2030 तक वो 50% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन जो है उनका वो रिन्यूअल्स लेकर के आएंगे, तो एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए भी आपको चाहिए। एंड जयप्रकाश पावर वेंचर्स ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप ड्यूरेबिलिटी स्कोर चेक करते हो 65 पॉइंट्स है, ग्रीन जोन में। वैल्यूएशन स्कोर चेक करते हो 73 का है। मोमेंटम स्कोर खराब हो रखा है, न्यूट्रल है, क्योंकि स्टॉक इस समय पे अगर आप देखो तो कंपनी काफी ज्यादा न्यूट्रल हो चुकी है। साइडवेज का बाजार है, मार्केट में गिरावट है और ये चीजें आपको काफी लाई डाउन करती हैं। पहली चीज, सपोर्ट जोन कहां पर है आपका भैया? सपोर्ट आपका पहला सपोर्ट जो है वो दैट इज अराउंड 6.55 के आसपास का। सेकंड सपोर्ट लेवल आपका बनता है अराउंड 5.8 का। स्टॉक में गिरावट हो सकती है या नहीं, अभी देखो हो सकती है गिरावट, कोई इसमें दो राय नहीं है। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि रीजन इंटरनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि जेपी पावर ने मैनेजमेंट में चेंज करा हो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई सैंक्शन लगाया हो जेपी पावर के ऊपर। सब चीजें नॉर्मल है, कंपनी ग्रोथ पर है, कंपनी का वैल्यू स्टॉक एक वैल्यू स्टॉक है आपका, फंडामेंटली कंपनी काफी बढ़िया चल रही है और आने वाले 5 सालों में जेपी पावर बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगी। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इज इन द मार्केट, नॉट इन द स्टॉक, नॉट इन द कंपनी, बट मार्केट में प्रॉब्लम है। और सिर्फ मैं इंडियन बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल मार्केट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ग्लोबल बाजार आपका खराब हो चुका है, ग्लोबल मार्केट में आपके प्रेशर है और यही कारण है कि ना सिर्फ जेपी पावर, सुजलॉन हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, टाटा पावर हो गया, जो पावर सेक्टर ही नहीं पूरा का पूरा मार्केट में गिरावट है। आप जानते हैं इस चीज के बारे में, ऐसा कोई नया नहीं है। यहाँ पे आज भी बाजार की शुरुआत हुई, गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद भी इस मार्केट आपका 100-150 पॉइंट आपका नीचे गया है। ठीक है, 16150 का लो लगाया आप देखो और खुला था 16340 के आसपास, 200 पॉइंट आपका शार्प डिक्लाइन में यहाँ पर आया है। ठीक है, मोर देन 200 पॉइंट्स के आसपास का। तो एक चीज तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि बाजार के हालात खराब हैं और जब मार्केट के हालात खराब होते हैं तो जेपी पावर कंपनी सामने खड़ी हो, टाटा पावर खड़ी हो या अडानी ग्रीन हो, वहां पर गिरावट होगी ही होगी। बात यह है, सवाल यह है कि रिकवरी कब आएगी, क्या आएगी रिकवरी या नहीं। रिकवरी बिल्कुल आएगी। यहाँ पे जैसा मैंने पहले चीज आपको बताया कि इस कंपनी को गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट ने 12,000-13,000 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर खर्च किए, इन्वेस्ट किए हैं और गवर्नमेंट का मानना है कि आगे आने वाले 2-3 सालों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा इस सेक्टर में, सेम लाइक पीएलआई स्कीम की तरह ही यहाँ पर भी बात की है। अभी के लिए अगर आप देखो खरीदारी करनी है तो कहाँ पर पहला टारगेट है भैया? पहला टारगेट
सेकंड टारगेट इज अराउंड 11 रुपीज के आसपास का। खरीदारी करनी है बिल्कुल जैसा मैंने बोला, गवर्नमेंट के सपोर्ट पहली चीज, दूसरा वैल्यू स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अगर आप बाय करते हो यहाँ पे दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि अभी के लिए मैं जो टारगेट बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ टारगेट्स नहीं है, रेजिस्टेंस जोन है आपके, रेजिस्टेंस जोन इन द सेंस कि यहाँ पर आकर के स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज होएगा, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो, साइडवेज जाता है तो रुकना है, होल्ड करना है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म की बात करें कि भैया कल क्या होगा, हफ्ते भर दो हफ्ते भर क्या होगा, अभी के लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि मार्केट इस समय डाउन ट्रेंडिंग है, मार्केट में गिरावट हो सकती है और मार्केट में आपको 5.50 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो, आई वुड से कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में खरीदारी करना, जेपी पावर हो चाहे कोई भी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपको वहां पर स्मॉल क्वांटिटी में जाना, बहुत भारी क्वांटिटी एक साथ नहीं उठानी है। आपको लगता है कि ठीक है यार, आपने जो इंडिया के मार्केट में सबसे स्ट्रांग कंपनी हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप की हो, टाटा ग्रुप की हो, HDFC वाले ग्रुप की हो, या फिर आप मान लो कि अंबानी ग्रुप की हो, वहां पर आपको खरीदारी करनी है, स्मॉल क्वांटिटी में जाओ, जैसे जैसे रिकवर करता है वैसे वैसे अपने मार्केट को क्वांटिटी को बढ़ाते रहो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज, अगर आप जेपी पावर में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर मैं वही बोलूंगा कि स्मॉल क्वांटिटी में बाय करो और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाओ। स्टॉक अच्छा है, मुझे लगता है खरीदारी आपको करके चलना चाहिए। दूसरी चीज ये है, खबरें क्या है, मार्केट को लेकर खबरें क्या है, या बाजार में FIADI का डेटा क्या कहता है। मार्केट में देखो पिछले दिनों अगर आप देखोगे तो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे, तीन दिनों की लगातार रिकवरी पैटर्न बना था और तीनों ही दिन DII ने अच्छी खरीदारी की थी, मोर देन FII की सेलिंग के बराबर। तो अभी के लिए अगर आप देखो FII 6,500 करोड़ का माल डंप किया उन्होंने 3 मार्च को, और DII ने 4,800 करोड़ का माल खरीदा है, ठीक है। अभी गैप छोड़ा है बीच में इन्होंने, और वही गैप है जिसकी वजह से बाजार थोड़ा परेशान है, वही गैप है जिसकी वजह से मार्केट में जो गिरावट वाला सेगमेंट बना है, जो दो दो दिनों से भारी गिरावट हो रही है, वो हो रही है। कहीं ना कहीं आपको मान के चलना पड़ेगा कि बाजार में DII या तो बहुत पैसा नहीं है इनके पास, और या तो पैसा है तो ये लगाना नहीं चाह रहे हैं इस समय पे, एंड दोनों ही चीजें अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि काफी टाइम से मार्केट को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, काफी टाइम से पैसा लगा रहे हैं, हालांकि इनके पास काफी पैसा है, बट स्टिल दे आर नॉट मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एट दिस टाइम, क्योंकि इनको पता है कि मार्केट क्या कर सकता है, हालांकि खरीदारी करने से रुक नहीं रहे हैं। तो मैं वही चीज आपको बोलूंगा, स्मॉल क्वांटिटी में जाओ बट डू बाय, ठीक है, बाय करो, होल्ड करो अपनी पोजीशंस को। जहां तक खबरों की बात है, देखो खबरें अभी आपके पक्ष में नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तेलों का दाम $112 पहुंचा है, हमें एनर्जी अल्टरनेटिव चाहिए और जेपी पावर में वो प्रोवाइड हो रहा है। इसीलिए देखो आप तेलों को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आप गैस को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, बट यू कैन रिप्लेस अदर सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। इंडिया में आज भी तेलों का जो बाजार है, आप उसको सपोर्टिंग इंडस्ट्री में नहीं डाल सकते हो, बट स्टिल हमारे पास अगर रिन्यूअल्स होता है तो हम उसके सोर्सेज को चेंज कर सकते हैं, हम उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार अपने रिन्यूअल्स के सोर्सेज को बढ़ा रही है। तो बिल्कुल आप खरीदारी करके चलो, स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतरीन है, मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बट लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करेंगे, 11 रुपए का टारगेट है मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट करना, थैंक यू, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू।